हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर, जिसमें कि आपको मैप के थ्रू फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स दोनों को ही मैप में भी और टैबुलर फॉर्म में भी मेंशन करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल दिखाई जा रही है, जिसमें कि आपको मेनली फूड क्रॉप्स को दिखाया गया है, जिसमें कि आपको राइस, व्हीट, मिलेट्स, मिलेट्स के तीनों टाइप, ज्वार, बाजरा एंड रागी तीनों को दिखाया है एंड मेज। क्लियर। अगर हम राइस की बात करें तो सबसे पहले राइस को हमने मेंशन किया है कहाँ कहाँ पर, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। हम सिर्फ वो मेन स्टेट देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो मैंने आपको टेबल में लिखे हैं, आप उनको वहां से देख सकते हैं ज्यादा चीजों को जानने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले राइस क्लियर हुआ, देन हम बात करते हैं व्हीट की। तो व्हीट पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, व्हीट उगाया जाता है। देन हम बात कर लेते हैं आपकी मिलेट्स की। मिलेट्स में सबसे पहले हम किस चीज को मेंशन कर रहे हैं, बाजरा को, जो कहां उगाया जाता है सबसे ज्यादा, राजस्थान में। ठीक है, इसको मैंने 3.1, 2 एंड 3.3 इस तरीके से मेंशन किया है तो आपको आसानी होगी। और इनके सिर्फ मैं एक एक स्टेट्स बता रही हूं जहां पे सबसे ज्यादा ये उगाया जाता है। तो सबसे पहले बाजरा कहां पे है आपका, राजस्थान में। फिर हम बात करते हैं ज्वार की, जो कहां उगाया जाता है, महाराष्ट्र में। एंड देन हम बात करते हैं रागी की, जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है कर्नाटका में। क्लियर। अब बात कर लेते हैं मेज की, और मेज कहां पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है आपका, ये भी कहां है आपका, जो मेज है वो है आपका तेलंगाना में। क्लियर। तो जो तेलंगाना है वहां पर क्या उगाया जा रहा है आपका, मेज। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट मैप में, पहले उसकी आप टेबल देख लीजिए कि किस किस को हम दिखाएंगे यहाँ पे, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, जिसमें कि आपका मेन ऑयल सीड में सिर्फ ग्राउंड नट को हम मेंशन करेंगे, वही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंड देन टी और कॉफी। क्लियर। तो आइए अब मैप के साथ इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पल्सेस की बात करें तो पल्सेस सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती हैं आपकी, कौन कौन से स्टेट से जहां पर आपकी पल्सेस उगाई जाती हैं, तो उसके लिए हमने मेंशन किया है किसको, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान को। मैंने बड़ा सा 5 बनाया है इसलिए दोनों स्टेट्स को टच करते हुए। तो पल्सेस कहां पे है, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। क्लियर है। देन शुगर केन की बात कर लेते हैं, गन्ना कहां कहां पे उगाया जाता है, मैंने नंबर 6 डालकर मेंशन किया है। तो सबसे ज्यादा कहां पे, एक तरीके से यूपी में है, बिहार में है, और गुड क्वालिटी की बात करें तो महाराष्ट्र, इसलिए मैंने महाराष्ट्र को भी मेंशन किया है। क्लियर है। देन हम बात कर लेते हैं आपका कॉटन की, कॉटन कहां पे उगाया जाता है, सॉरी कॉटन अभी नहीं, ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट की, ग्राउंड नट आपकी सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है, मूंगफली, वो है आपकी गुजरात में। ठीक है, ब्लैक सोइल में मेनली उगती है, तो ये कहां पे है आपकी गुजरात में, सिर्फ एक स्टेट मेंशन कर रही हूं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 8 टी की, टी कहां कहां उगाई जाती है आपकी, जो चाय है सबसे ज्यादा आसाम में, आसाम के दो मेन प्लेसेस हैं दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, हिल स्टेशन हैं आपके। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ये दो प्लेसेस आपको याद रखने हैं, बाकी आपके टेबल में है लाइक तमिलनाडु एंड केरला एंड ऑल। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है, अगेन साउथ इंडिया में, कहां कहां पे, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तीनों स्टेट्स मैंने आपको मेंशन करके दिए हैं। सबसे ज्यादा अगर बात कर ले तो कर्नाटका एंड केरला आप याद रखेंगे। क्लियर। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपका किसका, नॉन फूड क्रॉप्स। ओके, नॉन फूड क्रॉप्स में सिर्फ हम 3 क्रॉप्स की बात कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है आपका रबर, देन आपका क्या है, कॉटन, एंड देन आपका है जूट। इसमें भी आपको देख रहे हो टेबल दिखाई है जिसमें कि सभी स्टेट्स आपको मेंशन किए गए हैं कौन कौन से स्टेट में उगाया जाता है, बट मैप में जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको मेन मेन स्टेट्स दिखाएंगे, सारे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रबर देख लेते हैं कहां कहां पे है। रबर के लिए हमने मेंशन किया है नंबर 10 से केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तीनों साथ में, इसीलिए मैंने तीनों वही स्टेट लिए जो बिल्कुल पास पास है। कौन सा है, अगेन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ओके, देन हम बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन पता है आपको ब्लैक सोइल में उगाई जाती है, तो कौन कौन से स्टेट्स हम यहाँ पे कॉटन के लिए ले रहे हैं आपका, सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, अगेन ये तीनों बिल्कुल साथ साथ में है, आपको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, नंबर 11 मैंने डाल दिया इसीलिए। देन आता है आपका नंबर 12 पे जूट, जूट है। ठीक है, तो जूट आपका कहां कहां पे है आपका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम एंड मेघालय, दोनों को मैंने मेंशन किया है, मैंने इसलिए जूट के लिए तो ओवरऑल आपके सारे ही स्टेट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है,
इसी के साथ आपका मैप यहाँ पे खत्म हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार बड़े अच्छे से पूरे मैप की जो वीडियो है उसको देखिए और 2-3 times अपने आप रिफिल करने की कोशिश कीजिए। मुझे पक्का पता है कि आप मैप से कोई नंबर आप नहीं आपका कटेगा अगर आप इस मैप को इसी तरीके से बड़े अच्छे से कवर अप कर लेते हैं और कंप्लीटली फिल करने की कोशिश करेंगे तो। ओके, तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपने चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें जिससे कि उनको भी वीडियो मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड गुड लक।